ससुराल की सच्ची बातें। नंबर एक, लड़कियां अपनी ख्वाहिशें माँ को ही बताती है, ससुराल में तो सिर्फ वो जिम्मेदारी निभाती है। नंबर दो, बचपन की यादें तो मायके से ही जुड़ती है, जहाँ बेटियों की ख्वाहिशें पंख लगा के उड़ती है। नंबर तीन, जिंदगी का बड़ा अजीब ताना बाना है, मेरी भी कहानी का एक फसाना है, आँखों में अक्सर भर जाते हैं अश्क, मायके की याद तो महज एक बहाना है। नंबर चार, लौटी हूँ ससुराल से वापस, होठों पर मुस्कुराहट आई है, बड़े दिनों बाद माँ पापा को देखकर खुशी से आंखें भर आई है। नंबर पाँच, मायका कहता है ये बेटियाँ तो पराई है, ससुराल कहता है ये पराए घर से आई है, ए ईश्वर अब तू ही बता दे आखिर ये बेटियाँ किस घर के लिए बनाई है। नंबर छः, मायके में कोई गलती हो जाए तो बेटी को समझाया जाता है, ससुराल में बहुत से गलती हो जाए तो खूब ताना सुनाया जाता है। नंबर सात, ससुराल में जब हिचकियां आने लगती है तो मायके की याद बड़ी सताने लगती है। नंबर आठ, जब ससुराल में दिक्कतें बढ़ जाती है तो बात बात पर मायके की याद आती है। नंबर नौ, माँ बाप के घर में ही लड़की मेहमान हो जाती है, सात फेरों के बाद जिंदगी भी हैरान हो जाती है। नंबर दस, हर लड़की के लिए खास होता है उसका मायका, जैसे मेवों से बने खीर में हो केसर का जायका। नंबर ग्यारह, लड़कियां मायके में जिंदगी जीती है, ससुराल में जिम्मेदारियों को जीती है। नंबर बारह, माँ बाप का प्यार पवित्र और साफ होता है, इसलिए मायका में हर गलती माफ होता है। नंबर तेरह, मायके की झोपड़ी भी महल होती है, क्योंकि यहाँ हर तरह की आज़ादी होती है। नंबर चौदह, कोई कुछ भी कहे, शादी के बाद मायके की खूब सताती है याद, जहाँ बचपन बीता माँ बाप ने प्यार से सींचा, यह होता है मायका जीवन का असली जायका। नंबर पंद्रह, बेटियों को शिक्षित करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना अति आवश्यक है, ताकि वो पति को अपना जीवन साथी और दोस्त समझे, मालिक नहीं। नंबर 16, लड़कियां ससुराल में मायके की यादों को ऐसे संभाल कर रखती है जैसे इस दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। नंबर 17, शादी के बाद जिम्मेदारियों में बंध कर यह एहसास हुआ कि जिंदगी के सुनहरे पल वही थे जो हमने माँ के साथ मायके में मुस्कुरा कर गुजारे थे। नंबर 18, मायका जब बहुत याद आता है चुप हो जाती हूँ, एल्बम देखकर मायके की यादों में खो जाती हूँ। नंबर 19, कितना भी कर दो ससुराल में फिर भी बहू की थोड़ी कम होती है कदर, मगर जहाँ बिना कुछ किए खूब सम्मान मिलता है वो है माँ का घर। नंबर 20, मायके में किसी की बात दिल में चुप जाए तो मुस्कुरा देना, जिंदगी सिर्फ चार दिन की है, कभी कभी छोटी बातों को भुला देना। नंबर 22, मायके में गलती होने पर बेटी को सिखाया जाता है, ससुराल में बहुत से गलती होने पर ताना सुनाया जाता है। नंबर 22, जो लड़कियां ससुराल की तुलना मायके से करती है वो हमेशा दुखी रहती है, जिसको पति अच्छा मिलता है उसका ससुराल भी स्वर्ग के समान होता है। नंबर 23, मायके वाले हमेशा सोचते हैं कि बेटी की कोई शिकायत ना आए, ससुराल वालों को भी बहू को ऐसे रखना चाहिए कि वो कोई शिकायत अपने मायके वालों से ना करे। नंबर 24, आसान नहीं होता है दूसरे के घर में जाकर दूसरों की शर्तों पर रहना, मगर एक लड़की अपना मायका छोड़कर ऐसा करती है। नंबर 25, ससुराल में ताने सह रही बहुओं से पूछो कि माँ की आवाज फोन पर भी कितना सारा सुकून दे जाती है। नंबर 26, इस जहां में किसी को मुकम्मल कुछ नहीं मिलता, अगर मायका छूट जाए तो माँ का घर नहीं मिलता। नंबर 27, खुदा के घर से भी प्यारी ये दहलीज होती है, मायका वो जगह है जो बेटियों को अजीज होती है। नंबर 28, जिंदगी का रंग कहीं खो जाता है जब अपना ही घर मायका हो जाता है। नंबर 29, मायका और ससुराल दो घर पाई है, मगर हकीकत में दोनों घर पराई है।
नंबर 30, बेटियां माँ से घंटों फोन पर बतियाती है, फिर भी दिल की बातें अधूरी रह जाती है। नंबर 31, दो परिवारों को जोड़ने वाली मेड़ होती है बेटियां, मायके में पली पौध ससुराल का पेड़ होती है बेटियां। नंबर 32, मत देना हिस्सा मेरा मायका सजाए रखना, माँ बाप के इस घर में मेरी याद को बसाए रखना, बच्चों के मन में मेरा मान बढ़ाए रखना, बेटी हूँ इस घर की ये सम्मान बनाए रखना। नंबर 33, माँ की याद जब जब आती है तब तब आंखें भर जाती है, फोन पर क्या बात करूँ बोलने से पहले ही माँ समझ जाती है। नंबर 34, मायका खुदा के घर से भी ज्यादा प्यारी यह दहलीज होती है, मायका ही वो जगह जो बेटियों को बेहद अजीज होती है। नंबर 35, बाबुल वाले कहते थे बेटी तू ससुराल में राज करेगी, मुझे क्या मालूम था मेरे मायके वाले भी झूठ बोलेंगे। नंबर 36, माँ के घर में लड़की को मेहमान होना पड़ता है, ससुराल कितना भी अच्छा हो मायके की याद में रोना पड़ता है। नंबर 37, मायके के सारे रिश्ते भूल कर वो नए रिश्ते को अपनाती है, प्यार से तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं मिलता है। नंबर 38, हर बात पर ताने वो हर बार सह जाती है, कष्ट अनेकों सह कर वो ससुराल में रह जाती है। नंबर 39, जमाने भर का दुख उसी की झोली में आई है, औरत को ना जाने खुदा ने किस मिट्टी से बनाई है। नंबर 40, दुल्हन वही अच्छी जो पिया मन भाए, ससुराल वही अच्छा जहां मायके की याद ना आए। नंबर 41, कुछ ससुराल वाले अपनापन नहीं जताते हैं, हरदम वो अपनी औकात दिखाते हैं। नंबर 42, लड़कों के लिए ससुराल सरकारी ऑफिस की तरह होता है, जहां उन्हें हर सुख सुविधा मुहैया कराया जाता है। लड़कियों के लिए ससुराल प्राइवेट कंपनी की तरह होता है, जहां ओवर टाइम करने के बाद भी ताने ही मिलते हैं। नंबर 43, मैं नादानियों को छोड़ अब जिम्मेदार होने चली हूँ, बचपन की दहलीज पार कर मैं ससुराल चली हूँ। नंबर 44, जिस घर में काम करते करते हाथों की लकीरें घिस गई, उस घर के लोग कहते हैं तुमने इस घर के लिए किया क्या है। नंबर 45, एहतियात बरत के करना बेटियों का विवाह, ये लुटेरों का मुल्क है, जहां बेटे की कीमत करोड़ों है और बहू की जान निशुल्क है। नंबर 46, दहेज क्या है ये उस बाप से पूछो जिसकी जमीन भी गई और बेटी भी। नंबर 47, पैसा कमाना नहीं जानते तो अपना हाथ फैला दिया, कुछ ऐसे लोगों ने दूल्हे को बिकाऊ बना दिया। नंबर 48, कब तक यूं खूनी दलदल में फंसा रहेगा मनुज समाज, कब तक औरत को रौंदेगा ये दहेज का कुटिल रिवाज। नंबर 49, कब तक इस समाज में ये अंधी रीत चलाई जाएगी, कब तक नारी यूं दहेज की बलि चढ़ाई जाएगी। नंबर 50, बिकता है लड़का शर्मिंदा क्यों है लड़की, औकात लड़के की ही दिखती है, बाजार में लड़की नहीं बिकती है। नंबर 51, दहेज से जली बेटी की चिता को बाप ने जब आग देनी चाही, लाश बोल उठी फिर से मत जलाओ पापा, जलने से बड़ा दर्द होता है। दोस्तों, आपको ये पंक्तियाँ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका साथ हमारा मनोबल बढ़ाती है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें तथा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार जनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।